हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो बीएड को लेकर के एक तगड़ा झटका जो है फिर लगा है, और कहीं ना कहीं हर बार जब कहीं भी वैकेंसी आ रही है या कोई ऑनगोइंग वैकेंसी चल रही है, वहां से जब बीएड के छात्रों को जब बाहर किया जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा दुख होता है। क्योंकि दुख इसलिए होता है क्योंकि बीएड छात्रों की कोई गलती ना होने के बावजूद भी लाखों छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अन्याय होते लोग देख भी रहे हैं, चाहे वो एनसीटी हो, चाहे भारत सरकार हो, सभी लोगों को यह पता है कि कहीं ना कहीं जो हमने यहां पर गजट लाए थे वो गजट रद्द हो चुका है। और उस गजट को देखकर जितने भी लाखों छात्रों ने बीएड किया है आज वो लोग रोड पर आ चुके हैं। तो ऐसे में एक बड़ी वैकेंसी की हम बात करेंगे, और ये वैकेंसी फिलहाल अभी नहीं आई थी, ये 2023 में वैकेंसी आई थी और उस वैकेंसी को रद्द कर दिया गया। और इसलिए रद्द कर दिया गया क्योंकि जो वो वैकेंसी आई थी उसमें बीएड वाले शामिल थे। अब उस वैकेंसी को रद्द किया गया है, उसका फिर से पोर्टल ओपन होगा और उसमें जो है बीएड वालों को शामिल नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए उसको रद्द कर दिया गया क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को बाहर कर दिया गया है। तो फिलहाल हम पूरा अपडेट पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार की रियल और ऑथेंटिक अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आप लोग यहां पर मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहां पर लिखा हुआ है कि नए सिरे से होगी जेबीटी पदों पर भर्ती, दोबारा करना होगा आवेदन। फिलहाल ये जो अपडेट आई है वो चंडीगढ़ से आई। अभी ये मत कहना सर आप चंडीगढ़ की अपडेट हमें क्यों दिखा रहे हो, हम यूपी से हैं, हम बिहार से, हम वेस्ट बंगाल, आप चंडीगढ़ की अपडेट क्यों दिखा रहे हो? भाई मेरे आज के डेट में ना बीएड का जो मसला है वो किसी एक राज्य का रही नहीं गया है, पूरे देश का मसला हो चुका है। और यहां पर जो एक वैकेंसी आई थी, ये वैकेंसी आई थी 1 जुलाई 2023 को, मैं बता दूं ये वैकेंसी आई थी 1 जुलाई 2023 को, जिसमें बीएड को पीआरटी के लिए शामिल किया गया था, यानी जेबीटी के लिए शामिल किया था। लेकिन जब यहां पर देवेश शर्मा वाला जब केस होता है और उसमें जो है बीएड को बाहर कर दिया जाता है प्राथमिक से, तो अब इस भर्ती को रद्द कर दिया गया। और ये आज ही का न्यूज पेपर है, मैं आपको बता दूं, ठीक है, इस भर्ती को रद्द कर दिया गया। और अब इसका जो आवेदन किया जाएगा वो 24 जनवरी से इसका पोर्टल फिर से ओपन हो जाएगा। और इसमें यह चीज बताया गया कि जिन लोगों ने इसमें फॉर्म भरा था, चाहे वो बीएड वाले हैं, चाहे डीएलएड वाले हैं, बीटीसी वाले हैं, उन लोगों का जो आवेदन शुल्क है उसको वापस कर दिया जाएगा। ये चीज भी यहां पर बता दिया गया है, तो उनका आवेदन शुल्क वापस कर दिया जाएगा और अब इसको जो है नए सिरे से इसका आवेदन होगा। और हाँ एक चीज और है, सॉरी, जो 293 पदों पर भर्ती थी इसके पदों की संख्या बढ़ा भी दी गई है, और इसके पदों की संख्या अब 396 हो चुकी है, यानी तकरीबन 103 पद इसमें बढ़ चुके हैं। और यह बताया गया कि अब इसका आवेदन आप 24 जनवरी से आप कर सकते हैं और 19 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। तो अब एक बहुत बड़ी चीज यही आ चुकी है कि सभी लोग, चाहे हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हों, चाहे फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हों, चाहे फिर आपके एनसीटी हो, सभी लोग चुपचाप बैठे हैं, कोई अपने मुंह से एक वर्ड नहीं बोल रहा है कि बीएड का क्या होगा। और जब लोग उनसे मिलने जाते हैं तो वो लोग उनसे मिलते भी नहीं हैं और ना ही कोई यहां बात कर रहे हैं। अब एक ही जो है यहां पर रीजन हो सकता है बीएड शामिल करने का, और वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जब चीजें अच्छे से रखी जाएंगी तभी जो है बीएड उसमें शामिल किया जा सकता है। तो फिलहाल ये अब वीडियो जो है, सर ये जो न्यूज है ये आज की है, लेकिन ये भर्ती जो है ये पुरानी है, उसको रद्द किया गया और इसका पोर्टल अब 24 जनवरी से जो है ओपन हो जाएगा। तो अगर आप बीटीसी के हैं, डीएलएड के हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बीएड वाले छात्र हैं तो आपके हाथ में कुछ नहीं आया है, एक रेत आई है जो इसे पिसलती हुई धीरे धीरे जा रही है आपके लाइफ से। कहीं ना कहीं जो भी वैकेंसी है, फिलहाल नई वैकेंसी जो भी आएगी उसमें तो बीएड रहेगा ही रहेगा नहीं, लेकिन जो पुरानी भर्तियां थी, मतलब बीएड के कारण उन भर्तियों को रद्द कर दिया जा रहा है क्योंकि उन्हें बीएड को बाहर करना है। ठीक है, ये रही आज की अपडेट। आप लोगों का इस पर क्या राय है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।